तो जब भी हमें रेडियल नोड की पोजीशन पूछी जाए फ्रॉम न्यूक्लियस R1 R2 R3 डिस्टेंस पूछे जाए तो आप क्या करोगे, आप साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपका रेडियल नोड्स की पोजीशन आ जाएंगी, क्योंकि नोड की डेफिनेशन ही होती है साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, नोड की डेफिनेशन होती है साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे σ1 σ2 σ3 तीन आए थे आपके, है ना, σ1 σ2 σ3 आपके क्वेश्चन में तीन वैल्यू आई थी। σ1 कितनी आई थी 1, σ2 कितनी आई थी 2, और σ3 आई है 3, साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा दे रखा है 2ZR डिवाइड बाई ए नोट, सिग्मा दे रखा है 2ZR बाई ए नोट, 2ZR बाई ए नोट। तो सिग्मा 3 के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस R3 बोल देता हूँ, सिग्मा 2 R2 बोल देता हूँ, सिग्मा 1 कोरस्पॉन्डिंग R1 बोल देता हूँ। तो व्हाट इज माय R1, जहाँ सिग्मा सबसे छोटा होगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2ZR बाई ए नोट, तो सिग्मा सबसे छोटा होगा तो आर भी, यहाँ पे सिग्मा 1 सबसे छोटा है, सिग्मा 3 6 है सॉरी, तो ये सबसे बड़ा है सिग्मा 3, तो R3 सबसे बड़ा होगा, R1 सबसे छोटा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स कोई भी सोच सकता है। ये तो R1 कितना हो जाएगा, ए नोट बाई 2Z हो जाएगा सबसे नजदीक, R2 क्या हो जाएगा, ए नोट बाई जेड हो जाएगा, और R3 क्या हो जाएगा, 3 ए नोट बाई जेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन रेडियल नोड है, तीन रेडियल नोड है, ये क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम न्यूक्लियस। बोलेंगे फाइंड पोजिशन ऑफ रेडियल नोड विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस, तो R1 की वैल्यू बता देना, बोलेंगे आपको फाइंड पोजिशन ऑफ रेडियल नोड विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो ये बोलेंगे। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर है रेडियल नोड, बोलेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर रेडियल नोड है उन दोनों के का रेडियल डिस्टेंस बताएं, तो R3 माइनस R1 पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग, R1 R2 R3 आ गए तो उसका कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा सकते हैं, इट इज देयर चॉइस, टोटली देयर चॉइस। ठीक है बच्चों, दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फर्दर ऑनवर्ड्स। कभी मैंने सिग्मा के टर्म में इधर दिया इस क्वेश्चन में, वाले क्वेश्चन में कभी डायरेक्टली सिग्मा को ही 2ZR डिवाइड बाय ए नोट या सिग्मा किसी भी डायरेक्टली R की फॉर्म में भी इक्वेशन दे देंगे तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है R की फॉर्म में। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, R फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ R दे रखा है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर इधर आपको पूछूं तीन रेडियल नोड आए हैं, तीन रेडियल नोड आए हैं इस क्वेश्चन में, तो मुझे बताओ ये कौन सा, मैं बोलूंगा NS ऑर्बिटल है, बोलूंगा NS ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4s 3s 5s कौन सा ऑर्बिटल होगा, मुझे पता है NS ऑर्बिटल है तो n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीन पोजीशन के ऊपर, R1 R2 R3 तीन पोजीशन पे फ्रॉम न्यूक्लियस, तीन रेडियल नोड है और s है तो पक्का ये जीरो हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया मेरा, तो पक्का ये 4s ऑर्बिटल होगा, ये पक्का 4s ऑर्बिटल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कौन सा ऑर्बिटल है ये भी आप रेडियल नोड से आप निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू जीरो और R इज इक्वल टू इंफिनिटी के अलावा बाकी वो जो भी R1 R2 R3 पे साई स्क्वायर जीरो है उन सब जगह नोड्स हैं, रेडियल नोड्स हैं आपके स्फेरिकल नोड्स। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहां पर 1/a नोट रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर R/a नोट, और यहां पर दे रखा है a नोट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसकी वैल्यू भी मान लो दे रखी है पॉइंट, हालांकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ए नोट एक कांस्टेंट है वैसे से मान लो। आपको क्या निकालना है, दिस इज फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर रखा है इसमें, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम,
मैं यहीं पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, वो डायरेक्टली जेड इज इक्वल टू वन पुट करके फाइनल एक्सप्रेशन दे रखा है, तो भली बात है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी, नाम समझते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसे बोलते हैं, साई स्क्वायर को बोलते हैं, आर स्क्वायर को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये चमकना चाहिए, कभी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल दो क्वेश्चन ही गलत हो जाए, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पहले उस चीज को हाईलाइट किया, क्योंकि वैसी मिस्टेक हम लोग करते हैं, बच्चे लोग हम लोग करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस, एट डिस्टेंस, एट रेडियल डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि एट रेडियल डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस टू, अब एस ऑर्बिटल है तो न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू जीरो पे तो डेंसिटी जबरदस्त होगी, साई और साई स्क्वायर तो मैक्सिमम होते हैं आर इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम होने वाला है, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट द न्यूक्लियस, एट द न्यूक्लियस की जगह हम बोल सकते हैं एट आर इज इक्वल टू जीरो, जस्ट अराउंड न्यूक्लियस, आर टेंड्स टू जीरो इनफैक्ट, इसकी वैल्यू पूछी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसी को लैंग्वेज में बोला होगा, फाइंड द रेडियल रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड लिखना भूल गया मैं, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फॉर दिस 1s ऑर्बिटल एट आर इज इक्वल टू ए नॉट एंड टू आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एट न्यूक्लियस, आपको चार वैल्यू दे रखी है, e रेज टू पावर माइनस वन, e रेज टू पावर माइनस टू, e रेज टू पावर प्लस टू एंड वन, वन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, साई और साई स्क्वायर मैक्सिमम होते हैं एस ऑर्बिटल के लिए आर इज इक्वल टू जीरो पे, और ये बाकी किसी भी डिस्टेंस के ऊपर उससे छोटी वैल्यू होगी, तो एक चीज तो तय है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है अभी तक के डिस्कशन से, ये तो वैसे ही कंफर्म है, तो लेस देन वन आंसर आने वाला है, ये तो वैसे रिजेक्ट कर दो लॉजिक से, ये भी ग्रेटर देन वन है, ई की वैल्यू बताओ जल्दी से, आर जो ई की वैल्यू क्या है, ये कॉन्स्टेंट होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 2.718, ग्रेटर देन वन होता है ई की वैल्यू, ये नेचुरल लॉग में आता है ना ई, वही है ये कॉन्स्टेंट, ई रेस टू पावर माइनस टू हो सकता है, ये लेस देन वन है, ई रेस टू पावर माइनस वन है, ये भी लेस देन वन है, ये तो क्या है, ये वन बाई ई ही है, ये तो लेस देन वन हो गया, वन बाई ई स्क्वायर, तो क्या होगा, साई और साई स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है फॉर एस ऑर्बिटल एट आर इज इक्वल टू जीरो, एंड धीरे धीरे वो कम होती है, तो किसी भी ए नॉट डिस्टेंस के ऊपर आर इज इक्वल टू जीरो वाली साई स्क्वायर बड़ी ही होगी, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो इसका आंसर तो लेस देन वन तो आने वाला है, तो ए और बी ऑप्शन में से आएगा, सी और डी तो हमने लॉजिकली रिजेक्ट कर दिया कैलकुलेशन बिना किए। अब देखो भाई साहब, अब मैं बात करता हूं इतने बड़े झंझट, कॉन्स्टेंट रेशियो है तो कॉन्स्टेंट तो वैसे उड़ने वाला है, इस सारे को ना, इस सारे को मैं एक कॉन्स्टेंट बोल देता हूं के, आपकी खुशी के लिए इसको कॉन्स्टेंट बोल देता हूं के, ठीक है, इसको कॉन्स्टेंट बोल देता हूं मैं के, उसी हाइड्रोजन एटम में ये मेरा आर है, तो बस आर इज इक्वल टू के, अब मुझे क्या करना है, यहां पर भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू ए नोट, ये क्या हो गया आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू जीरो, इतना ही तो है, तो क्या हो जाएगा, यही लिख देता हूं मैं, ये तो आर है, आर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, के स्क्वायर ई की पावर, इसका स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर ई की पावर
2r आ जाएगा a नोट, तो e की पावर माइनस टू, r की जगह भी a नोट पुट करना है और a नोट की जगह a नोट तो है ही, यहां r की जगह जीरो पुट करना है डेनोमीटर में, r इज इक्वल टू k स्क्वायर e की पावर माइनस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते ही r स्क्वायर समझना है, कभी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, एक मिस्टेक तो वही होगी, e की पावर टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो ये k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर खेलने चला गया, ऊपर आ गया e की पावर माइनस टू, नीचे e की पावर तो जीरो ही हो गया कुल मिलाकर, तो यानी वन हो गया, यानी कि आपका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, योर आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, समझ गए। तो कभी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे, कभी रेडियल नोड्स की पोजिशन पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कॉमन न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स तो आपको आसान लगे होंगे, न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल्स करें तो आसान है, क्वेश्चन करें तो आसान है, क्वेश्चन किसके ऊपर जो अभी अभी मैंने पूछा है, एक टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन ग्राफ, तो ग्राफ जो होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, वो तीन तरह के ग्राफ आपको बनाने हैं, तो अब ग्राफ वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, वो भी बहुत आसान होते हैं, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, मोस्टली क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आप बहुत कम अभी भी सुन लोगे तो क्वेश्चन ज्यादातर अभी भी हो जाएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल के, लेकिन जिस टाइम पे, ये तो जनरल क्वेश्चन है जो मोस्टली क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई ढंग का क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा इतना सारा टाइम दिया हमने वेव मैकेनिकल मॉडल में, तो वो सारा का सारा डिस्कशन कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अब मैं जो बना रहा हूं उन्हीं ग्राफ में से, ग्राफ या उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ग्राफ मैं तीन तरह के ग्राफ बनाऊंगा, एक साई आर या फिर आर बोलो वर्सेस आर का ग्राफ, दूसरा साई आर का स्क्वायर रेडियल प्रॉपर्टी डेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ, तीसरा रेडियल प्रॉपर्टी फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ, और इसी ग्राफ से मोस्ट प्रोबेबल रेडियस देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी को ही तो बताता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोबेबिलिटी को तो बताता है, और क्या बताता है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी वहां पर, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी को ही बताता है। ये सुनो, तीन तरह के ग्राफ हमें देखने हैं, तीन तरह के ग्राफ हमें देखने हैं, ये तो साई की वैल्यू है, ये तो नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है, ये सिर्फ जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, और ये वैल्यू भी जीरो और पॉजिटिव ही हो सकती है, तो ये दोनों ग्राफ आर एक्सिस के ऊपर ऊपर आएंगे या आर एक्सिस को टच करेंगे, ये ग्राफ आर एक्सिस के ऊपर नीचे और जीरो तीनों आएगा, ये तो साइन से हमने वैसे ही डेड्यूस कर लिया, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले ही है। अब बस दूसरा, सारे के सारी वैल्यू आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये भी जीरो होती है, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी ये भी जीरो होती है, आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये भी जीरो होती है, आर भी जीरो, आर स्क्वायर जीरो, आर स्क्वायर जीरो, तो ये पूरी भी जीरो, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये तीनों ग्राफ जीरो को टच करेंगे, दूसरी चीज ये कन्फर्म है, तीसरी चीज हमें पता है, ये दोनों ग्राफ साई और साई स्क्वायर वाले ग्राफ अगर एस ऑर्बिटल के लिए हैं तो साई और साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, और अगर पी डी एफ के लिए है तो साई और साई स्क्वायर का ग्राफ भी आरपीएफ वाले ग्राफ की तरह ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, पहले मैं एनएस ऑर्बिटल का ग्राफ बनाता हूं, सब लोग देखें इधर, यहाँ पे मैं 1s का ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2s का ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3s का ग्राफ बना रहा हूँ, सब में x एक्सिस के ऊपर r है, सब में x एक्सिस के ऊपर r है, यही फिक्स ग्राफ है, यही ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे, बस ये सुन लोगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके लिए मजाक हो जाएगा, उन्हीं इक्वेशन से बने हुए ग्राफ है, r फंक्शन ऑफ r से ग्राफ आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे R है,
2s का यहाँ पे r स्क्वायर है, 2s का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, r है यहाँ पे r स्क्वायर है, ठीक है। बताओ ये वाले ग्राफ तो r की वैल्यू तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सब हो सकती है, तो क्या होगा 1s, 1s में यहाँ पे मैक्सिमा से ग्राफ स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे r इज इक्वल टू जीरो, r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सब 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सब जीरो होंगे, तो सब के सब r एक्सिस को टच करेंगे। अब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी कोई पॉइंट ही तो है नहीं, तो कहां पर एक्जेक्टली टच करवाएं, कहीं पे भी एक्जेक्टली तो टच करेगा ही नहीं, क्योंकि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टच करता है, इन्फिनिटी तो वेल डिफाइंड पॉइंट है ही नहीं, तो ये टच करता हुआ y एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम है r और r स्क्वायर की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए, x एक्सिस पे इट इज अबाउट टू टच, इट विल नेवर टच, e raise to power minus x का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, x एक्सिस को कभी टच नहीं करता क्योंकि x इक्वल टू इनफिनिटी पे जीरो होता है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का ग्राफ कैसा होगा ऐसे, पर r इज इक्वल टू इनफिनिटी पे सब कैपिटल r टेंड्स टू जीरो रहेगा, e raise to power minus x इज इक्वल टू जीरो, e raise to power some constant r इज इक्वल टू जीरो minus some constant r इज इक्वल टू जीरो सब में रहता है, बस वहीं से ये डेड्यूस किया था। 3s ऑर्बिटल में इस तरह रहेगा, बताओ वेव फंक्शन का साइन इधर हरदम पॉजिटिव है, वेव फंक्शन का साइन हरदम पॉजिटिव है, तो 1s ऑर्बिटल में r ये चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ r है, तो सब जगह वेव फंक्शन का साइन क्या है 1s में पॉजिटिव है, तो s ऑर्बिटल में एक ही तरह का साइन होता है, यस और नो। अब यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव, और सब जगह टेंड्स टू जीरो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2s में वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, जहां पर साई वर्सेस आर में, साई आर वर्सेस आर में, आर वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ में वेव फंक्शन का साइन चेंज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहां पे नोड है, ये नोड हो गया, एक नोड है, एक नोड है यहाँ पे साइज इक्वल टू जीरो है, जीरो और इन्फिनिटी के अलावा एक ही है बस आर वन की वैल्यू जहां पे जीरो है, 2s में कितने नोड होंगे एन माइनस एल माइनस वन एक रेडियल नोड होंगे, वन माइनस वन जीरो रेडियल नोड होंगे, कोई रेडियल नोड नहीं है, जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे साई साई स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जीरो हो, है तो वहां पर रेडियल नोड है, यहाँ पे एन माइनस एल माइनस वन दो रेडियल नोड है। बताओ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, इस पॉइंट पे आर टू पे फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ तो ये आ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों इस तरह वेव की फॉर्म में 4s का ग्राफ क्या हो जाएगा, इसी तरह दो रेडियल नोड हो गए इधर, अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे लेके जाऊं तो 4s का ग्राफ हो जाएगा उसमें तीन रेडियल नोड, तो इसी वेव को आगे बढ़ाते चलो और कुछ नहीं करना आपको, इसी को आप आगे बढ़ाते हुए चलो ऐसे, यस और नो, बस ये ज्यादा गहरा फिर कम, कम ऊंचा फिर और कम नीचा, इस तरह इसका ना जो ये हाइट है ये कम करते हुए चलाना, ये ज्यादा है फिर ये थोड़ी कम हुई फिर अगली जाएगी तो वो थोड़ी कम होगी, इस तरह वो घटाते चले जाना, वो नेचर आप देख लेना, यस और नो। तो दिस इज, तो साई वर्सेस आर ग्राफ में क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेव फंक्शन के साइन हो सकते हैं, इसलिए बच्चों व्हाट आई मीन टू से कि जहां पर वेव फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे रेडियल नोड होता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट आए तो आप बोलना ट्रू, मैं नहीं बोल रहा, ये ग्राफ बोल रहा है, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन की एनालिसिस बोल रही है। आर स्क्वायर का ग्राफ तो कभी भी आर एक्सिस के नीचे एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आने वाला, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साई है एक्स है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा उसके जगह पर, यस और नो, तो ग्राफ का नेचर तो ऐसा ही दिखेगा और क्या, अलग क्या दिखेगा साई स्क्वायर का, इधर ग्राफ ये प्लट के ग्राफ साई तो साई स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये आर वन डिस्टेंस पे है तो ये भी आर वन ही है, ये डिस्टेंस अलग नहीं है, ये 2s का है तो नीचे वाला ग्राफ भी 2s का है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस टू मान लो ये वैल्यू है तो माइनस टू का स्क्वायर तो प्लस फोर आएगा, इधर आ जाएगा ये पॉइंट मल्टी मार्कर, तो ये पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये पॉइंट। तो आर स्क्वायर वर्सेस आर के जो ग्राफ है उसमें आर स्क्वायर जीरो कहां हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस आर वन पे हो रहा है,
जहां पे आर जीरो हो वहां पे आर स्क्वायर जीरो और फोर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर जीरो तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, आर वन पे ही जीरो होंगे, आर वन पे ही नोड है। यहाँ पे बात करूं तो दो नोड है पर ये एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं आएगा। आर और आर स्क्वायर का ग्राफ एस ऑर्बिटल के लिए चोटी से स्टार्ट होता है आर इज इक्वल टू जीरो पे। तो ये पहला रेडियल नोड आ गया आर वन वाला, ये डिस्टेंस भी आर वन ही है, कम ज्यादा लग रहा हो तो माफ करना। कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ग्राफ में कभी ब्रेक नहीं होता। फिर ये ग्राफ पल्टी मार के ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस थ्री है तो ये नाइन आ जाएगा, ये माइनस टू है तो फोर आ जाएगा, तो इस तरह ऊपर की तरफ ग्राफ आ जाएगा प्लट कर नो डाउट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ही है, साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, वो कोई साई थोड़ी है ऊपर की तरफ, साई स्क्वायर है इधर। तो आर दो रेडियल नोड हो गए, एक आर वन डिस्टेंस के ऊपर और दूसरा रेडियल नोड हो गया आपका आर टू डिस्टेंस के ऊपर। ये आर वन आर टू की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल रहे थे न्यूमेरिकल में, आर वन आर टू की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम न्यूमेरिकल में निकाल रहे थे। ये आर वन आर टू की वैल्यू रेडियल नोड की पोजिशन है, कुछ देर पहले हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो आर स्क्वायर वर्सेस आर में ये हो गया, तो रेडियल नोड यहाँ पे दो आने चाहिए आगे जी, तो दो आर वन आर टू पे, यहाँ रेडियल नोड दो हो गए साई और साई स्क्वायर, जहां पर जीरो हो, जीरो और इन्फिनिटी अलावा बाकी सब आर के ऊपर रेडियल नोड होते हैं। जी आर इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी के अलावा, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो सभी आर और आर में सब में जीरो होगा होगा, वो एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करता हुआ मिलेगा आर एक्सिस को, तो होना ही होना है, वो तो हमने इक्वेशन देख चुके हैं उनकी। अब मैं तीसरा और जो ज्यादा कॉमनली आस्क ग्राफ है उसकी बात कर रहा हूं। वन एस का ग्राफ, ये टू एस का ग्राफ, ये थ्री एस का ग्राफ। वन एस का ग्राफ में मैं इस बार वाई एक्सिस पे ले रहा हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वाई एक्सिस पे ले रहा हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ध्यान से देखना सब ज्यादा ये ग्राफ। यहां पर चूंकि आर इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जाता है तो ये ग्राफ हरदम ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ग्राफ हरदम ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और सब जगह वो तो होना ही होना है, इन्फिनिटी पे तो जीरो होना ही होना है, तो एग्जैक्टली इन्फिनिटी पता ही नहीं है तो ग्राफ को टच थोड़ी करेंगे, इस तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल चलाते रहेंगे आगे। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक आर वन डिस्टेंस पे होगा, एक ही रेडियल नोड है आर वन डिस्टेंस के ऊपर, ये वही आर वन डिस्टेंस आ गया जो पहले आया था टू एस में, साई वर्सेस आर, आर वर्सेस आर, आर स्क्वायर वर्सेस आर वाले ग्राफ में। यहाँ पे दो रेडियल नोड थे आप लोग जानते हैं, तो पहला रेडियल नोड आ गया इधर, दूसरा रेडियल नोड आ गया इधर और तीसरा रेडियल नोड आ गया। आप देखोगे इधर से इधर ना ये चोटी बढ़ती चली जा रही है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर के ग्राफ में ये चोटी ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ती चली जाएगी। बताओ ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम किस आर के ऊपर है, उसे ही हम मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है उसे ही हम आर मैक्स बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कितनी आ गई, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस आ गई यहाँ पर, ये आ गई मोस्ट प्रोबेबल रेडियस आ गई यहाँ पर आर मैक्स, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कौन सी आ गई, ये आ गई आर मैक्स, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है 1s 2s 3s में। तो जहां पर ग्लोबल मैक्सिमा हो, ये सब मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, या मिनिमा के ऊपर क्या आ रहा है, नोड आ रहा है, और मैक्सिमा के ऊपर क्या बोलते हैं, एंटी नोड, और कुछ भी बोला जाए तो मोस्ट प्रोबेबल सब ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले को एंटी नोड, नोड का जो सपोजिट हो गया एंटी नोड, नोड मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम है और जहां पे मैक्सिमम है उसको एंटी नोड बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एंटी नोड। तो एंटी नोड तो ऑर्बिटल का हिस्सा होता है, एंटी नोड का ये सब नो। तो आर मैक्स, अगर इन तीनों ग्राफ को मैं एक जगह ही दिखाने की कोशिश करूं, तीनों ग्राफ को एक जगह ही दिखाने की कोशिश करूं बच्चों, ऑल थ्री प्लॉट्स एट वन प्लेस, सेम वही एक्स एक्सिस पे सेम आर रखते हुए अगर मैं तीनों ग्राफ को दिखाने की कोशिश करूं तो आपका एक अच्छा सा कंपेरिजन हो जाएगा, वेरी गुड कंपेरिजन विल बी देयर फॉर अस।
और कंपैरिजन क्या है बच्चों, ग्राफ वन एस का ग्राफ एकदम ऐसे सूट करेगा और ऐसे जाएगा, टू एस का ग्राफ देखूं तो ऐसे रहेगा पर इतना ऊंचा नहीं जाएगा पर चौड़ाई में ज्यादा रहेगा। 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 3s ये है 2s का ग्राफ, ये है 3s का ग्राफ, सॉरी 1s ऊपर बना हुआ है देख लो। मैं तो एक ग्राफ में r एक्सिस पे कंपेयर करना चाहता हूं और कुछ नहीं है। ये हो गया 1s का ग्राफ, और 3s का ग्राफ मैं अगर बनाऊं तो 3s का ग्राफ इफ यू ड्रॉ तो इट विल बी ऊंचाई कम हो जाएगी पर धीरे धीरे ऊंचाई तो बढ़ती जा रही है देखो इधर पिक्स की, पर 1s वाला सब ज्यादा ऊंचा, 2s वाला इतना, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल एरिया है वो तो कांस्टेंट है इस ग्राफ में, तो इसको फैला देंगे तो ऊंचाई कम होगी ताकि टोटल एरिया उतना ही रहे। यस और नो, टोटल एरिया उतना ही रहे। तो ये 2s है, ये 3s का ग्राफ है, कैसे पता चला 3s का, ये ग्राफ बना तो रखा है 3s का, ये चिपकाया है मैंने इधर, पर रिलेटिव पोजिशन देख रहा हूं। आप मुझे बताओ 1s का आर मैक्स इधर है और 1s, 2s का आर मैक्स इधर है 2s का, और 3s का आर मैक्स इधर है, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस एज n इंक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस, ये समझ में आता है, एज n इंक्रीजेस मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस। तीनों ग्राफ मैंने एक जगह इसलिए बनाए ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं, तीनों ग्राफ मैंने एक जगह इसलिए बनाए ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए मैं कंक्लूजन लिखा देता हूं जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। अभी धीरे धीरे एक चीज तो हमने कंपेयर कर ली, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस किस वाले ग्राफ से मिलेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर वाले ग्राफ से मिलेगा। मुझे बताओ जहां मैक्सिमा होता है वहां पर डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो आरपीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, मैं इसको पी ही बोल देता हूं, तो यहां पे dp by dr क्या होगा, यहां पर जीरो होगा, यहां पर जीरो होगा, dp by dr जीरो होगा, तो आप क्या करो मैथमेटिकली dp by dr जीरो होगा अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन को p बोल देता हूं, वैसे rpf है ही, तो ये rpf बोल दो। तो कहने का मतलब जहां पर ये जीरो होगा मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर क्या होता है, dy by dx जीरो ही होता है, तो जहां पर ये जीरो होगा वहां पर मैक्सिमा जरूर होंगे, और जहां जहां इसके मैक्सिमम मिनिमा है वहां वहां पर ही जीरो आ जाएगा। नोड वाले तो अलग हटा दो, अब मैक्सिमा की बात करते हैं, तो सबसे दूर वाली जो वैल्यू आए वो आर मैक्स बोले जाएगी, जहां पर मैक्सिमा हो और सबसे दूर वाला मैक्सिमा हो वही होगा आरदम, क्योंकि दूर की तरफ चोटी बढ़ती चली जाती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगा, सबसे बड़ा ही होगा। यस और नो, ये बात तो पक्का है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। मैं एक नोट लिखवा देता हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस नोट के रिगार्डिंग। राइट डाउन, लिखो कंपैरिजन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, कंपैरिजन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, कंपैरिजन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रेडियस केस वन, दो केस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। केस वन, अगर आपका एल फिक्स है, एल इज सेम, केस वन में हम बोलते हैं एल इज सेम, तो जैसे अभी अभी देखा, अभी अभी ग्राफ में देखा था, एज एन इंक्रीजेस आर मैक्स इंक्रीजेस, और n इंक्रीज होगा तो एवरेज जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो भी बढ़ता है, 1s का ऑर्बिटल 2s के ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है, 3s का और साइज बढ़ जाता है, तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम एवरेज रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा एवरेज रेडियस होगी न्यूक्लियस के उतना ही एवरेज रेडियस, इतना तो
इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की क्लोजनेस कम हो जाएगी, और जितना क्लोजनेस होता है इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है। तो ये तो हरदम पक्का है, जितना ही ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता दूर होता चला जाएगा उतना ही क्लोजनेस कम होती चलाई जाएगी, यानी कि पेनिट्रेशन पावर कम होती चलाएगी। जितना क्लोजनेस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर बोली जाती है। तो हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर को कंपेयर कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता पेनिट्रेशन पावर का, पेनिट्रेशन पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी। दिस इज जस्ट ए टर्म दैट यू विल यूज इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड फर्दर चैप्टर्स। पेनिट्रेशन पावर मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी उतनी ज्यादा क्लोजनेस होगी ऑफ क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू न्यूक्लियस। तो जितना ज्यादा एवरेज दूर होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही क्लोजनेस कम होगी, पेनिट्रेशन पावर कम होगी। ये तो अभी अभी हम लोग कंक्लूड कर चुके। तो केस वन, केस टू है, केस टू, केस टू में एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा। केस टू, इसमें आपके क्वेश्चन में गलती होगी, ये केस जरूर ध्यान रखना, अभी मैं ग्राफिकली भी उसको बताऊंगा। केस टू, सब लोग देखें केस टू, इस बार हमने क्या L की वैल्यू एक समान ले ली थी, लेकिन केस टू में हम N की वैल्यू सेम ले लेते हैं और इस बार L चेंज करेंगे। पहली बार N चेंज किया था और L की वैल्यू सेम रखी थी। अब देखना जरा गौर से, एज L इंक्रीजेस, वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस डिक्रीजेस, बट एवरेज रेडियस डिक्रीजेस और पेनिट्रेशन इंक्रीजेस, बट पेनिट्रेशन पावर तो ये तो आर बढ़ेगा तो पेनिट्रेशन पावर तो कम होती होती है। बस इंटरेस्टिंग चीज ये है, यानी कि एन और एल बढ़ते हैं तो आर एवरेज और पेनिट्रेशन पावर तो घटती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का चक्कर है। एक चीज हरदम है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम न्यूक्लियस आर मैक्स से तो हरदम कम ही होगा, ऑलवेज, इसमें कोई दोराई नहीं है। अरे यार आर मैक्स तो कहां है, इन्फिनिटी के पास है, देख लो आर मैक्स कहां होता है, एकदम इन्फिनिटी के पास होता है, आर मैक्स तो बहुत बड़ा है, आर मैक्स तो एकदम लास्ट में है जहां पर पीक आ रहा है रेडियल प्रॉपर्टी फंक्शन वाले पे, आर मैक्स तो सबसे बाद में है। तो कह रहे आर मैक्स से तो एवरेज ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पहले तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो एवरेज वैल्यू तो कहीं बीच में ही आएगी, ऑन एन एवरेज ले ले तो हम लोग। तो बच्चों ये चीज है, दिस इज एच आर इंक्रीजेस, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं दोनों के ऊपर, मैं आपको बोलूं बताना मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के हिसाब से अरेंज करो, 3s, 3p, 3d, क्वेश्चन नंबर वन अरेंज, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरेंज एज पर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, एवरेज रेडियस एंड पेनिट्रेशन पावर, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1s, 2s, 3s, 4s, क्वेश्चन नंबर फोर, 2p ऑर्बिटल, 3p का ऑर्बिटल है, 4p का ऑर्बिटल है और 5p का ऑर्बिटल है, सबको आप कंपेयर करें एज पर आर मैक्स। बताओ ये दोनों क्वेश्चन कौन से केस से बिलोंग करते हैं, एन इज सेम और ये दोनों क्वेश्चन किससे बिलोंग करते हैं, एल इज सेम, सब ऐसे हैं तो सबके लिए एल की वैल्यू जीरो है। क्वेश्चन नंबर फोर में सब पी है तो सबके लिए एल की वैल्यू वन है, एल सेम, तो आपको केस आइडेंटिफाई करना होगा, जो नोट लिखवाया है वो आपको क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। बताओ एन जैसे से इंक्रीज होता है, एन जैसे से इंक्रीज होता है तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस भी इंक्रीज होती है, एवरेज भी इंक्रीज होती है, तो पेनिट्रेशन पावर तो डिक्रीज होगी। सेम ट्रेंड इधर भी है, यही इधर ऑर्डर है, यही ऑर्डर इधर है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एच एन इंक्रीजेस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस, पेनिट्रेशन पावर डिक्रीजेस, एवरेज
रेडियस इंक्रीजेस, ध्यान रखें इसको। लेकिन जब एल सेम होता है तो जैसे जैसे, ये तो एन वाला क्वेश्चन हो गया, एन इंक्रीजेस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके एरो में हटा देता हूं, एरो तो रहने देता हूं, मैं यूज कर लूंगा बाद में। इधर देखता हूं दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में एन इंक्रीज इधर से इधर हो रहा है, एल तो सेम है, तो एज एन इंक्रीजेस तो आर मैक्स इंक्रीजेस, आर एवरेज इंक्रीजेस एंड पेनिट्रेशन पावर डिक्रीजेस। यहां से यहां एन इंक्रीज हो रहा है तो यहीं से ही आर मैक्स भी इंक्रीज होगा, यहीं पे यहीं से यहीं दोनों क्वेश्चन में आर एवरेज भी इंक्रीज होगा, यहीं से यहीं दोनों क्वेश्चन में पेनिट्रेशन पावर डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर 2p की है और सबसे कम 5p की है। न्यूक्लियस से सबसे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2p का होगा, 5p अमंग दीज p ओनली। यस और नो? मैं ns np और nd, यहां पे n सेम है तो क्या है इधर, as l increases r max decreases, तो यहां से यहां l 0 1 2 l इंक्रीज हो रहा है तो r max क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्यान रखें r max डिक्रीज होगा। लेकिन आर एवरेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। 3s सबसे नजदीक होता है, 3p रेडी उससे दूर। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये रहेगा आपका, और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये रहेगा, सिंपल सिंपल रिलेशन। डन बच्चों, एबल टू अंडरस्टैंड? अब मैं एक बार ये वाला एग्जांपल लेता हूं ग्राफिकली आपको दिखाने के लिए, जस्ट टू शो इट, टू कंपेयर दिस। मैं 3s का ग्राफ बनाता हूं, तीनों ग्राफ बनाऊंगा मैं, देखो बच्चों। ये ग्राफ मैं 3s का बना रहा हूं, ये वाला ग्राफ 3p का और ये वाला 3d का, तीनों में l सेम है पर नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ जरा, n माइनस l माइनस 1 2 रेडियल नोड होंगे, इसमें कितने रेडियल, n माइनस 1 1 रेडियल नोड होगा और n माइनस l माइनस 1 0 रेडियल नोड होंगे, 0 रेडियल नोड होंगे, 0 रेडियल नोड होंगे। y एक्सिस पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस के लिए कौन सा ग्राफ देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाला देखते हैं, तो y एक्सिस पे तो ये यहां पे एक भी रेडियल नोड नहीं बनाना, तो ग्राफ ऐसे विल राइज एंड दिस, ये आपका प्रोबेबल रेडियस हो गया। लेकिन इसमें एक रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है तो क्या होगा, इस तरह रहेगा और फिर ज्यादा ऊंची चोटी होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल रेडियस तो ये हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर दो रेडियल नोड है तो क्या करेंगे, एक एक रेडियल आ गया R1 पे, दूसरा रेडियल नोड ये आ गया R2 पे और तीसरा रेडियल नोड आ गया इधर, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस यहाँ पर होगी इसकी, तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इसकी यहाँ पर होगी। चूंकि ये नोड बनाने होते हैं तो कई बार ग्राफ को जंप करना होता है, इनफैक्ट इस तरह थोड़ा ध्यान रख सकते हो, वैसे तो ये कैलकुलेशन से बनाया हुआ ग्राफ है पूरा। तो ये आर मैक्स की वैल्यू यहां से यहां अगर आप देखो 3s 3p एंड 3d में l की वैल्यू इधर से इधर इंक्रीज हो रही है 0 1 2 और आर मैक्स किधर से किधर इंक्रीज हो रहा है, आर मैक्स एज n इज सेम फॉर ऑल थ्री। ज्यादा उसको नोड बनाते हैं तो वो दूर तक फैल जाता है, ठीक है, दिस इज ऑल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब मैं बात करता हूं, देखो नोट कर लिया बच्चों, तो सारे के सारे ग्राफ, अब मैंने ग्राफ बनाए थे वही ग्राफ मैं पी के लिए बनाता हूं, आर वर्सेस आर के ग्राफ, हैव यू नोटेड इट डाउन, उन्हीं ग्राफ्स में मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा, दैट्स ऑल। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, यस सर,
आभा यादव नोट कर लिया? यस और नो? ओके, अब मैं चलता हूं पीछे, उसी ग्राफ में कुछ चेंजेस कर दूंगा मैं, हिनी ग्राफ में मैं कुछ चेंज कर देता हूं, लेकिन इस बार मैं पीके ग्राफ बनाऊंगा मैं। पीके ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो देखो मैं इस बार पीके ग्राफ बनाऊंगा और आप तो ग्राफ में छोटी सी चीज पहचान जाओगे तो ही काम हो जाएगा। 2P, 3P, 4P आगे वैसा ही फैशन चलता रहेगा। 2P, 3P, 4P, 5P आगे मैं 2P बना लेता हूं, 3P का ग्राफ और 4P का। बताओ कितने रेडियल नोड होंगे 2P में? N-L-1 जीरो रेडियल नोड होंगे, तो कहीं पे वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे 3-1-1 एक रेडियल नोड हो गया, 4-1-1 दो रेडियल नोड हो गए, यहाँ पे दो बार वेव फंक्शन का साइन चेंज होगा। बताओ पी डी और एफ का ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर है एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो आर इज इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी साइज जीरो नहीं होना चाहिए, पक्की बात। 2P चाहे तो इसको ज्यादा ऊंचा बना लो अगर आपस में कंपेयर करोगे तो 2P और 3P का। टूपी में वेव फंक्शन का साइन सिर्फ पॉजिटिव है, यहां पे क्या होगा, वेव फंक्शन का साइन आपका 3P की अगर मैं बात करूं तो वेव फंक्शन का साइन आपका इस तरह चेंज होगा एक बार, जहां पर एक रेडियल नोड है इसका R1 डिस्टेंस के ऊपर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट में ये टेंडिंग टू जीरो रहेगा रहेगा, वो तो हर किसी में रहता है। हरदम ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है PDF का, सारे के सारे ग्राफ, लेकिन साई और साई स्क्वायर के ग्राफ, R और R स्क्वायर वर्सेस R के ग्राफ S के लिए चोटी से स्टार्ट होते हैं, ये खासियत है। ग्राफ देख के ये खचोटी वाली स्टार्ट होगी तो भी R और R स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस स्मॉल R चोटी स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत समझ जाना ये ग्राफ S का है, इतना हिंट काफी है, ये छोटे छोटे हिंट काम आते हैं क्वेश्चंस में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव, जहां पे चेंज हो रहा है R1 पे पहला रेडियल नोड हो जाएगा, ये दूसरा रेडियल नोड हो जाएगा R2 के ऊपर। अब साई का ग्राफ बन गया तो साई स्क्वायर का ग्राफ तो कोई भी बच्चा बना लेगा, स्क्वायर ही तो करना है, एनीवन कैन मेक इट। यहां पे क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये नेचर तो ऐसा ही रहेगा ग्राफ दिखने में, ये R1 पे है तो यहां पर भी R1 रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर करूंगा तो ये ऊपर पलट के आ जाएगा, लेकिन पहले बड़ी चोटी उसके बाद छोटी चोटी, यहां पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो यहां पर ये पलट के ऊपर आ जाएगा नीचे वाला ही, तो ये हो गया वही R1 के ऊपर, इधर दोबारा उसी डिस्टेंस के ऊपर है R2 और R3। इस तरह चोटी कम होती चली जाती है, R स्क्वायर वर्सेस स्मॉल R ग्राफ में चोटी कम होती चली जाती है और वेव फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दो रेडियल नोड होंगे R1 R2 के ऊपर, यहाँ पर एक रेडियल नोड होगा, यहाँ पे एक, ये डिस्टेंस अगर R1 है तो ये डिस्टेंस भी R1 है, बड़ा छोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस अगर आपका R2 है तो ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक का आपका R2 ही है। प्लीज ये डिस्टेंस अगर आपका X है तो ये डिस्टेंस भी यहां पर इस ग्राफ में आपका डिस्टेंस X ही है, अलग अलग नहीं है। उसी 3p ऑर्बिटल के लिए दोनों ग्राफ बना रहे हैं, तो जहां साई जीरो होगा वहां पे साई स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि रेडियल नोड तो एक ही जगह पर होगा,
3p में एक ही रेडियल नोड है x डिस्टेंस के ऊपर फॉर एग्जांपल। तीसरा ग्राफ में तो चोटी बढ़ती चली जाती है, थर्ड वाला ग्राफ जिससे मोस्ट प्रोबेबल रेडियस निकलती है, ये वाला ग्राफ में तो चोटी बढ़ती चली जाती है। इस वाले ग्राफ में कितने रेडियल नोड होने चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए 2p में, 3p में एक होना चाहिए रेडियल नोड, 4p में 1p तो होता नहीं है ना, 4p में दो रेडियल नोड होने चाहिए। तो दो बार जीरो इन्फिनिटी के अलावा दो बार आर एक्सिस को टच करेगा आपका ग्राफ, आर एक्सिस को टच करेगा दो बार ग्राफ, क्योंकि वही साइज स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, 4πr² की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इसमें तो ग्राफ का कोई फाइट ही नहीं है, ऐसे रहेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये ग्राफ क्योंकि r इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो r बढ़ता है तो ये वैल्यू उछाल लेता है, इसलिए चोटी बड़ी बड़ी होती चली जाती है, चोटी बड़ी होती चली जाती है। यहां पर दूसरी वाली चोटी और बड़ी होगी यहां पर, क्यों? क्योंकि r बढ़ गया, और r बढ़ गया तो y एक्सिस के ऊपर जो ऑर्डिनेट दे रखा है इसमें r² की वैल्यू उछाल ले जाती है उसको। इस तरह ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस हो गई, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस हो गई। एज एन इंक्रीजेस, यहाँ पे 2p यहाँ पे 4p हो गया, तो यहाँ से यहाँ n बढ़ रहा है, तो ये मैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस r1 बोल दूं, ये r2 बोल दूं, ये r3 बोल दूं, तो सबको पता है r1 से बड़ा r2 से बड़ा r3, क्योंकि सारी की सारी है तो r max, बिकॉज एज l सेम है सबके लिए l1 है। एज n इंक्रीजेस most probable radius, average radius, all increases. Yes or no? N increases, ये increase होता है, आप लोग वैसे ही जानते हैं, you can compare. तो आप तो number of node ही count कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये वाला graph होता है ना radial probability function, ये एकदम origin से start होता है। psi और psi square वाला graph origin और चोटी दोनों start हो सकता है। S orbital का चोटी start होगा, बाकी सब का origin से, बाकी नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लो। आप बोलोगे सर तीन ग्राफ बताओ सर, एक तो सबसे छोटा वाला S1S, एक सबसे छोटा वाला P2P, 1P तो होता नहीं है, सबसे छोटा वाला D3D, 2D और 1D तो होते नहीं है। सर तीनों का ग्राफ बताओ, सर तीनों का ग्राफ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन से साथ। अब जनरलाइज बताओ, n-l-1 कितना है नंबर ऑफ रेडियल नोड, इधर भी जीरो है, फॉर्मूला लगा लो, इधर भी जीरो है। ये मैंने ऊपर n-l-1 की वैल्यू लिखी है, समझ गए, 1s 2s 3s के लिए, यानी कि कोई भी रेडियल नोड नहीं आने वाला, मैं बना रहा हूं 4πr² वर्सेस r² वर्सेस r, 4πr² वर्सेस स्मॉल r, 4πr² रेडियल प्रॉपर्टी फंक्शन वर्सेस आर। ये तो मुझे पता है एस एन इंक्रीजेस मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीजेस, एन यहां पे एल भी अलग है एन भी अलग है, तो एन इंक्रीज होगा, एल भी इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट एन वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, एन इंक्रीज होने पर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इंक्रीज होती है। सब ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एन इज इक्वल टू 1 वालों की है, उससे कम पेनिट्रेशन पावर एन इज, वो दूर होते हैं उनका एवरेज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा 1s, तो यहां पर एकदम ऐसे रहेगा इसका ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे रहेगा इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ ऐसे ज्यादा फैला हुआ होगा, और ज्यादा फैला हुआ होगा, और फैला दो, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस
इसकी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस थोड़ा फैल गया तो दूर चली जाएगी छोटी उसकी ग्राफ की, और फैल गया ऊंचाई कम होगी तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इधर। बस तीनों में वन एस तीनों का ग्राफ में आपको लगेगा सर तीनों में रेडियल नोड नहीं है तो ग्राफ ऐसा ही, फिर भी आप ग्राफ देख सकते हो जो वन वाले एन इज इक्वल टू छोटे वाले हैं वो अपना न्यूक्लियस के नजदीक रखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एवरेज रेडियस भी कम रहेगी मोस्ट प्रोबेबल रेडियस भी कम रहेगी, एन और एच दोनों चेंज हो रहे हैं तो आप उस तरह कंपेयर कर सकते हो। इसका पीक दूर है 3D का, 2P का पीक नजदीक है, 2 वाला है 1S का पीक सबसे नजदीक है, तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। हालांकि इनका कंपैरिजन पूछना काफी चैलेंजिंग होता है, आपको तो काफी आसान पूछते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल दिए ना तो ही समझ जाओगे, रेडियल नोड फॉर्मूला से निकालो और उस ग्राफ में देखो जिस मैच कर रहे हैं उनसे ऑप्शन मैच कर देना, ज्यादातर इतना ही करना पड़ता है। 90% क्वेश्चन तो उसी एन माइनस एल माइनस वन फॉर्मूला से निकालो, जो भी ऑर्बिटल दे रखा है जैसे 3D दे रखा है तो एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू जीरो आ गई, तो जिसमें भी तीनों ग्राफ में जीरो और इन्फिनिटी के अलावा कहां कहां पर ग्राफ साई स्क्वायर और 4πr² साई स्क्वायर ये वैल्यू जीरो हो रही है, जीरो और इन्फिनिटी के अलावा वही नंबर ऑफ रेडियल नोड जितने टाइम जीरो हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ रेडियल नोड आ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी सिचुएशन होती है, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन होती है, बड़े सिंपल से ग्राफ होते हैं। तो दोस्तों दीज आर डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं एक छोटी चीज बताता हूँ, आज तक तो नहीं पूछा है किसी भी एग्जाम में, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा इस तरह का डिस्कशन, किसी कोचिंग मटेरियल में भी नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे लगता है पता नहीं KVPY या फिर कोई ना कोई एग्जामिनेशन इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा, आपने ये सब ग्राफ देखे, जितने भी ग्राफ देखे आपने सारे के सारे ग्राफ कंटिन्यूअस थे, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं थी, सारे के सारे ग्राफ में साई की वैल्यू फाइनाइट थी, अगर आप देखो तो साई की वैल्यू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी, साई की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो रही थी कहीं पे भी, यू कैन चेक आउट साई वर्सेस आर, साई आर वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ में। तो वेव फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो वेव फंक्शन आते हैं अलग अलग ऑर्बिटल के बच्चों, सारे के सारे सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होते, सभी के क्रॉसबॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होते, कुछ ही एनर्जी स्टेट है, कुछ ही सबसेल है, कुछ ही ऑर्बिटल है, क्वांटाइज है एंगुलर, क्योंकि कुछ ही सॉल्यूशन उसके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन तो बहुत आते हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो लिखो कंडीशंस, जल्दी से लिखो कंडीशंस फॉर वेव फंक्शन, फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन यहां पे लिख लो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है एंड कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं हम यहां पर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है एंड कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, वेव फंक्शन साई की वैल्यू और साई की वैल्यू कुछ खास तरह की होनी चाहिए, तो क्या क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर वन, जो ग्राफ आपने देखे उसमें सारी की सारी कंडीशन फुलफिल्ड है, पहला साई एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, मैथमेटिकली ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, अगर कोई आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे, आज तक नहीं पूछा है ना आपको किसी बुक में मिलेगा, आपको किसी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, पर मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्टेप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एक इंटरेस्ट, इसका हमें यूज तो होता है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरेक्ट रिलेटेड चीजें वही पूछी जाती है, एकदम ऊट पटांग नहीं पूछी जाती है। तो देखो मैं कोई ग्राफ बना लेता हूं, यहां से यहां तक ऐसा गया मान लो साई वर्सेस आर का ग्राफ, और फिर मान लो ऐसे चला गया, तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गई ना ग्राफ में, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूसली। आपने देखे कोई भी अभी तक पूरा ऐसे ऐसे जा रहे थे वेव फंक्शन, छोटी स्टार्ट होके ऐसे 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 जा रहे थे सारे के सारे, या फिर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे पीडीएफ के साई वर्सेस आर के ग्राफ, वो भी ऐसे ही जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे सारे के सारे, कंटिन्यूअस थे, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं थी। तो अगर इस तरह का ग्राफ साई वर्सेस आर का किसी ऑप्शन में दे देते हैं तो उस ग्राफ को तो आप वैसे रिजेक्ट कर दोगे,
वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे। कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस उसका ग्राफ होना चाहिए, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यूअस नहीं है। किसी भी तरह की डिसकंटिन्यूटी आ गई आपको तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो गड़बड़ी हो जाएगी। वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एज सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं हो सकता। कोई भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बना लो, आपकी मनमर्जी है, ऑब्जेक्टिव में रंग बिरंगे ग्राफ दे सकते हैं, मैंने अपने मन से एक ग्राफ दे दिया क्योंकि इस तरह का ग्राफ मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा है। सेकंड थिंग, साई मस्ट हैव कंटिन्यूअस स्लोप, स्लोप भी एब्रप्टली चेंज नहीं होना चाहिए, स्लोप भी एब्रप्टली चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, स्लोप भी एब्रप्टली चेंज नहीं होना चाहिए, सबका स्लोप में ग्रेजुअल चेंज हो रहा था, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। साई वर्सेस आर का हम ग्राफ देखें, कोई बोले कि ऐसा है, ठीक है, और फिर ऐसा है, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे, इधर से इधर ग्राफ देखेंगे तो टेन थीटा इधर आएगा, इधर से इधर ग्राफ देखेंगे इसी पॉइंट पे तो टेन थीटा इधर आएगा, तो ये तो अब्रप्टली स्लोप चेंज हो गया, टेन थीटा चेंज हो गया, इस पॉइंट पे गड़बड़ी हो गई। कंटिन्यूटी यहां पे तो स्लोप यहां पे थोड़ा सा यहां चेंज हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूसली ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, बाकी सब पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मुझे इस पॉइंट के ऊपर, कंटिन्यूअस स्लोप नहीं है इधर, इधर कंटिन्यूअस स्लोप नहीं है, तो इस तरह का ग्राफ कोई आ जाए जिसमें अब्रप्ट कवरेचर चेंज हो रही है तो वो नहीं हो सकता। आपने साई वर्सेस आर के, एस के, पी के, डी और एफ के सबके ग्राफ आपने देखे, आपने देखा कि कहीं पे भी ऐसे स्लोप अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा था, बड़ा स्मूथली चल रहे थे। साई वर्सेस आर के ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर की ग्राफ की बात भी नहीं कर रहा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर की भी बात नहीं कर रहा मैं, वेव फंक्शन साई वर्सेस आर की बात कर रहा हूं मैं उसी का, कौन सा साई का फंक्शन अवेलेबल है, मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, किसके क्रॉसबॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, किसके क्रॉसबॉन्डिंग नहीं होगा, किसके क्रॉसबॉन्डिंग, तो सब एनर्जी लेवल कुछ ही एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन के, तो कुछ ही एनर्जी लेवल हो सकते हैं, इसलिए एनर्जी क्वांटाइज्ड है, इसलिए एनर्जी वेव मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी तो क्वांटाइज्ड बोस मॉडल के थ्योरी के अनुसार भी थी। तीसरा, साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सब मैथमेटिक्स है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड फंक्शन इसी को मैथमेटिक्स में 1-to-1 फंक्शन बोलते हैं, 1-to-1 फंक्शन, अगर फंक्शन चैप्टर आप पढ़ते हो तो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक आर की वैल्यू की साई की वैल्यू दो या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये साई की वैल्यू इधर वाई एक्सिस पे, इधर आर है रेडियल डिस्टेंस। मान लो मैं इस तरह का ग्राफ बना देता हूं, तो इस तरह का ग्राफ कभी नहीं हो सकता, एक आर के लिए साई की साई वन, साई टू, साई थ्री तीन वैल्यू हो गई एक आर के लिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। मैं ऐसा कोई ग्राफ बना दूं तो देखो कितनी कितनी आर की वैल्यू आ गई, बतेरी आर की वैल्यू आ गई, ये सब आर की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती इतनी सारी। तो सिंगल वैल्यू साई की एक वैल्यू होनी चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ बोलोगे सर ऐसा क्यों, अरे खुद लॉजिकली सोच सकते हो, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की एक ही वैल्यू हो सकती है। मैं बोलूंगा एक एटम में यहाँ पे इसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी और कम भी है, ये कैसी लॉजिकल बात है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की एक पॉइंट पे मिलने की संभावना की एक ही वैल्यू हो सकती है, चार चार कैसे हो सकती है। तो इट मस्ट बी साई की एक वैल्यू होगी तो साई स्क्वायर की भी एक वैल्यू होगी, और साई स्क्वायर की एक वैल्यू ही होनी चाहिए। तीसरा, आपने देखा सभी ग्राफ में, आपके जो भी आपने ग्राफ बनाए उनमें ऐसा कुछ नहीं था, सब सिंगल वैल्यू थे, सब में कंटिन्यूअस स्लोप था, अब्रप्ट चेंज इन स्लोप नहीं हो रहा था, अब्रप्ट चेंज इन कर्वेचर नहीं हो रहा था ताकि स्लोप अब्रप्टली चेंज हो, किसी में भी डिसकंटिन्यूटी थी, सब ग्राफ कंटिन्यूअस थे, किसी में भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं था साई, सब में सिंगल वैल्यूड था, एक आर के लिए एक ही था साई आर की वैल्यू आपने देखा। दूसरा, साई मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू, मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू, कहीं पे भी आपने आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी देखा, साई इज इक्वल टू इन्फिनिटी देखा, वो इनफाइनाइट वैल्यू आपने कभी नहीं देखी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी देखा लेकिन साई इज इक्वल टू इन्फिनिटी कभी नहीं देखा आपने, यस और नो। तो यहां पर साई आर वर्सेस आर की अगर मैं बात करूं, मान लो इस तरह का कुछ फंक्शन है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है,
इस तरह का कोई फंक्शन है इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो बच्चों ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। साई की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट हो रही है, फाइनाइट नहीं है। साई की वैल्यू इनफाइनाइट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारी की सारी कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, पहला है फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं हो सकता साई की वैल्यू। साई वर्सेस आर ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, और उसका स्लोप भी कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, स्लोप भी कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। और ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं हो सकता, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। एक आर की वैल्यू के लिए साई की वैल्यू कई नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू होगी, 1:1 फंक्शन है ये, मैथमेटिकली 1:1 फंक्शन है ये। दीज आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, दीज आर डिफरेंट कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ आर। बस आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करने वाले हैं। एक अच्छी सी चीज बता देता हूं आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे हैं, IIT ने भी नहीं पूछे हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको ना नरेंद्र अवस्थी में है उस तरह का क्वेश्चन, ना आपको जनरली किसी बुक में उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, वेरी रेयरली इट कैन बी देयर। और बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास, पर जो हमने डिस्कशन किया दैट इज वन लेवल। कभी हम सब्जेक्ट को उठाना चाहें, ऊपर लेवल उठाना चाहें, तो अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस और डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, मैं एक चीज आप लोग जानते हो, डिफरेंट एनर्जी लेवल, किस किस की एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए उसमें एटम बस एक ही है हाइड्रोजन, बाकी आयन है। बोस मॉडल जिनके लिए अप्लीकेबल था, बोस मॉडल उसके फॉर्मूले सारे वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है, इसका ध्यान रखना ठीक है। बाकी जनरल जो फॉर्मूले होते हैं नोडल प्लेन के, नोडल स्फेरिकल सरफेस यानी कि स्फेरिकल नोड्स के, ये एनवायरनमेंट, ये जनरल चीज है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बोस मॉडल फॉर्मूला वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही लगाए बोस मॉडल के फॉर्मूलाज। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं, एंड रूल से। एंड रूल, एज एन इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, इफ एन इज सेम देन एनर्जी इज ऑल्सो सेम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए 1s की एनर्जी इधर हो गई, 2s और 2p दोनों के लिए बराबर है तो इन दोनों की एनर्जी बराबर हो गई, 3s 3p सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करता है, 3d ये NCERT में भी ये डायग्राम बना हुआ है जो बना रहा हूं मैं, 4s यानी कि ये सब में पूछेंगे, सब एग्जाम में पूछे जाने वाली डिस्कशन है, 4d 4f ये मैं डाउट्स में यूज कर चुका हूँ ये इन्फॉर्मेशन तो। पर इससे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो अभी तक कभी डिस्कस नहीं किया है, उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मोस्ट ऑफ सोर्सेस में नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सभी सोर्सेस में नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट बाय चांस मिल जाए तो मिल जाए। तो देखो 3s, तो इनमें n बराबर है, सबका n बराबर तो एनर्जी भी बराबर, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन वन ग्राउंड स्टेट, इसको बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलूंगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलूंगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मैं बोलूंगा ग्राउंड स्टेट, 1s में एक ही ऑर्बिटल है। तो डीजनरेसी क्या होती है, डीजनरेसी की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, डीजनरेसी वाले क्वेश्चन में बच्चे जरूर अटकते हैं। डीजनरेसी मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, डीजनरेसी मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते ही आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पहली गलती तो यही करते हो आप लोग, क्या डीजनरेसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग इक्वल एनर्जी, नहीं बाबा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी गिव्स द वैल्यू ऑफ डीजनरेसी। डीजनरेसी इज सिंपल नंबर, डीजनरेसी इज सिंपल नंबर, डीजनरेट मतलब इक्वल एनर्जी होता है, पर किसकी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल एनर्जी है, ध्यान रखें पहली मिस्टेक तो यही होगी, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में तीन ऑर्बिटल, तो डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज 4, 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में तीन और 3d में पांच, 5, 3, 8 और एक नो ऑर्बिटल हो गए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इतना हो गया, एफ के 7 ऑर्बिटल हो गए, डी के 5 हो गए, 12 और पी के 15 और एक 16, तो डीजनरेसी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट
थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज 16-4 हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो डीजनरेसी वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये एनर्जी स्टेट, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ तो हम एल देखते ही नहीं है, कौन सी सबसेल है वो देखते ही नहीं है, लेकिन बोर्स मॉडल में देखते नहीं है, चाहे वो 2s हो 2p हो सबकी एनर्जी बराबर होती है, तो सिर्फ n = 2 बोलते हैं, n = 3 बोलते हैं, n2 to n1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वो इंफॉर्मेशन सही है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिर्फ n रूल होता है, l के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता एनर्जी स्टेट। लेकिन अब मैं बात करता हूं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में n प्लस l रूल लगता है, n प्लस l रूल सबका पढ़ा हुआ है, क्या है n प्लस l रूल, as n प्लस l वैल्यू इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, स्पेशल केस अगर n प्लस l की वैल्यू सेम है देन as n increases एनर्जी इंक्रीजेस, अगर n प्लस l सेम है तो भी एनर्जी बराबर नहीं होती, तो जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी बड़ी होती है, तो ये है n प्लस l रूल, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपने पढ़ा है n प्लस l रूल, आपको प्रिंसिपल में एनर्जी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सबशेल और ऑर्बिटल n प्लस l रूल से ही करते हैं, n प्लस l रूल। क्या हमारे पास ऐसा रिलेशन है जिससे हम बताएं कि हाँ भाई किसकी एनर्जी कितनी है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है जिससे एनर्जी हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बता पाए, नहीं है। हालांकि श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल बोलता है कि एक ऑर्बिटल में एनर्जी उसकी बराबर रहती है, पर्टिकुलर ऑर्बिटल मतलब पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट उसकी हम लोग बोलते हैं, यहां से आप देख सकते हो एनर्जी स्टेट सारी की सारी n प्लस l रूल से। तो देखो इधर 1s की सबसे कम एनर्जी है, 2s की n प्लस l इसका क्या हो गया 2+0 2 हो गया, तो उसकी ज्यादा एनर्जी है, 2p की उससे ज्यादा एनर्जी है, और फिर 3s की एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर 3p की एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 4s की होती है, और उससे ज्यादा एनर्जी 3d की होती है, कर लो कैलकुलेट चाहे तो। इन दोनों के लिए n प्लस l कितना है 2+0 इन दोनों के लिए देखो n प्लस l बढ़ रहा है, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ n प्लस l बढ़ रहा है, और n प्लस l नहीं बढ़ रहा तो n बढ़ रहा है, यहाँ पे 3+0 n प्लस l की वैल्यू, यहाँ 2+n, लेकिन यहाँ पे n बढ़ा है इसलिए इसकी एनर्जी मैंने ज्यादा रखी, यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ रही है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, यही तो आहबोव प्रिंसिपल है, यही तो आहबोव रूल है कि सबसे पहले 1s को भरो फिर 2s को, ज्यादा एनर्जी वाले को। तो ये क्या हो गई, n प्लस l जहां बराबर है वहां पे n देख लो, तो सबका अपने आप ये एनर्जी ऑर्डर आ जाता है n प्लस l रूल से। ये ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा, ये हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट यही हो जाएगा, जैसे H-1 जो भी एनर्जी स्टेट हो पर्टिकुलर एनर्जी, टू इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बोलूंगा जैसे हीलियम हो गया और ये हो गया, दो के लिए तो 1s2 ही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1s1 ही ग्राउंड स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी 1s ना कि 1, 2s फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी हाइड्रोजन हीलियम का H-नेगेटिव का, जनरली इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ग्राउंड स्टेट ऊपर वाली भी हो सकती है वो, पर आउट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उससे ऊपर वाली सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उससे ऊपर वाली थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, यहाँ पर सबसेल के हिसाब से एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट आ रही है, वहां पे सिर्फ n ही काफी था, यहाँ पे n प्लस l दोनों देखना पड़ता है, तो l आते ही सबसेल का नाम आ जाता है एनर्जी स्टेट में। तो मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ वन ऑर्बिटल है, इसमें वन ऑर्बिटल है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी 1, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसकी डीजनरेसी 3 हो गई, फिर डीजनरेसी 1 हो गई, तो H नेगेटिव के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी कितनी है 1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 1 है, सेकंड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की डीजनरेसी कितनी है 3n3 है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको n प्लस l रूल पता है तो अपने आप डीजनरेसी आप निकाल लोगे। अब एक लास्ट चीज मैंने बोला, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड लास्ट थिंग फॉर टुडेज डिस्कशन, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम एल का इंपोर्टेंस देखने लग जाते हैं, सिर्फ एल नहीं लेकिन एक सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्शन रूल कि हम जंप करवाएंगे एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट से,
मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो ये सब एनर्जी स्टेट हो गई। कौन सी हो गई? 3s खुद एक एनर्जी स्टेट है, 3p खुद एक एनर्जी स्टेट है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये सब अलग अलग एनर्जी स्टेट हैं, यस और नो? एल वाले sp(df) अलग अलग एनर्जी स्टेट से, सिर्फ n डिसाइड नहीं करता है इधर। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि डिफरेंट सबसेल में फॉर इंटर सबसेल जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनसे जो रेडिएशन मिलेंगी जंप होंगे, कितने तरह के फोटोन मिलेंगे, डी एक्साइटेशन से फोटोन का एमिशन होगा, एक्साइटेशन में फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। फॉर इंटर सबसेल, एक सबसेल से दूसरे सबसेल, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ना, इंटर सबसेल जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एल कैन बी प्लस वन और माइनस वन, यही है सिलेक्शन रूल। डेल्टा एल कैन बी प्लस एन और माइनस एन, लिख लेना। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछेंगे तो ज्यादातर हिंदुस्तान के बच्चे इसमें स्टक हो जाएंगे, ये बात भी तय है। फॉर इंटर सबसेल जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सबसेल से दूसरे सबसेल, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जंप मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, डेल्टा एल प्लस माइनस वन होना चाहिए। यानी कि क्या तो डेल्टा एल की वैल्यू प्लस वन हो या फिर डेल्टा एल की वैल्यू माइनस वन हो, और इसी को ही कभी लिख दें कि डेल्टा एल का मॉडुलस वन होना चाहिए, तो भी बात एक ही है, तो भी बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कहने का मतलब क्या हुआ, एस पी डी एफ, मेरी बात सुने आप आराम से, आप एल की वैल्यू यहां पर जीरो है, यहां पे वन है, यहां पे टू है, यहां पे थ्री है, तो क्या मतलब हुआ? मैं आपको बोलता हूं कि अगर यहां से यहां गए तो एल की वैल्यू का डेल्टा एल यहां पर वन हो गया, यहां पे भी डेल्टा एल वन हो गया, यहां पे भी डेल्टा एल वन हो गया, डेल्टा एल यहां पे वन है, यहां से आ जाएंगे तो माइनस वन, यहां से आ जाएंगे तो प्लस वन, पर डेल्टा एल का मॉडुलस यहां पे वन है, डेल्टा एल का मॉडुलस यहां पे वन है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो डेल्टा एल का मॉडुलस कितना आ गया, डेल्टा एल का 3-0, 3 आ गया। इस तरह का जंप पॉसिबल नहीं है, कभी भी एफ से एस में और एस से एफ में कभी भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, वो एनर्जी स्टेट जंपिंग के लिए अलाउड नहीं है। जिस तरह बोह्र मॉडल बोलता है कि एन इज इक्वल टू 1 से एन इज इक्वल टू 2 में जंप बोल सकता है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन के जंप की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन रूल के अनुसार होता है, कुछ सिलेक्टेड जंप हो सकते हैं, और सिलेक्शन का क्राइटेरियन क्या है, डेल्टा एल क्या तो प्लस वन या माइनस वन। यानी कि एस में जंप कहां कहां पॉसिबल है, एस में जंप कहां कहां पॉसिबल है, एस में जंप क्या तो एस से पहले वाले किसी सबसेल में जाएगा, एस का जंप सिर्फ पी में पॉसिबल है, एस और पी में आपस में जंप पॉसिबल है, पी का एस में भी हो सकता है, हम एन की वैल्यू देख ही नहीं रहे इधर, एन की वैल्यू देख ही नहीं रहे इंटर सबसेल जंप में, सिलेक्शन रूल में एन का वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन में यही बोल सकते हैं सिलेक्शन रूल इज वैलिड, है ना, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन रूल के अनुसार ही आंसर करना होता है, लेकिन हरदम सिलेक्शन रूल वैलिड हो, उसी हिसाब से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं समझदार लोग इफ सिलेक्शन रूल इज ओबेड, नहीं बोला हो तो मजबूरी में ही ओबे करवाना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। पी का जंप डी में होगा तो भी डेल्टा एल प्लस वन, पी का जंप एस में भी हो सकता है, यानी कि एसपीडीएफ में पी के पहले एस है बाद में, तो जस्ट पहले और बाद वाले में जंप हो सकता है। डी का एफ में जंप होगा या डी का पी में जंप होगा, डी का एस में जंप नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू टू हो जाएगी। एफ का सिर्फ डी में जंप होगा, एफ के बाद जी में जंप हो सकता है, जी की बात की भी नहीं होती है, यस और नो? तो एसपीडीएफ में पी से पहले एस और पी के बाद में डी है, तो पी का डी में या पी का एस में जंप हो सकता है डेल्टा एल प्लस माइनस वन की कंडीशन फुलफिल करने के लिए, बस वही परमिसिबल है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, थ्री पी ले लू क्या, थ्री पी तो थ्री पी में एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू 3-1-1 हो गई, यानी कि एक तो उसमें रेडियल नोड है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने मन से, ठीक है, और एल की वैल्यू इसकी वन हो गई तो इसमें एक एंगुलर नोड होगा। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन
इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम राइट डाउन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर राइट डाउन क्वेश्चन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सबसेल कौन से एनर्जी स्टेट में है कौन से सबसेल में है तो अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी स्टेट का मतलब सबसेल की बातें करने लग गए इनफैक्ट क्योंकि सबसेल के जो ऑर्बिटल है वो तो बराबर एनर्जी वाले हैं तो अलग एनर्जी के लिए सबसेल एल तक ही काफी है एल की वैल्यू ही काफी है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सबसेल हैविंग वन रेडियल नोड हैविंग वन रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड एंड नो एंगुलर नोड एंगुलर नोड वन है क्या हाँ वन एंगुलर नोड यानी कि इलेक्ट्रॉन 3p में प्रेजेंट है इशारों में बोल दिया पर जिस तरह मैं घुमा फिरा के दे रहा हूं 3p डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा 3p को घुमा फिरा के देंगे जैसे मैंने दिया है 3 में एक रेडियल नोड होता है एक एंगुलर नोड होता है तो बोलेंगे इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सबसेल हैविंग वन रेडियल नोड एंड वन एंगुलर नोड आगे लिखो अज्यूमिंग सिलेक्शन रूल इज अप्लीकेबल फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब रेडिएशन मतलब स्पेक्टर लाइन्स फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड फ्रॉम सैंपल बहुत सारे वैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनमें तो सिलेक्शन रूल के अनुसार आपको बताना है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो अब n प्लस l रूल का जलवा चलने लग गया तो सबसे कम एनर्जी 1s की है उससे ज्यादा 2s की है उससे ज्यादा 2p की है उससे ज्यादा 3s की है उससे ज्यादा 3p की है ये हमें पता है एनर्जी के हिसाब से ये हो गया मुझे क्या करना है सिर्फ फोटोन एमिटेड बताने हैं फोटोन एब्जॉर्ब तो बताने ही नहीं है सिर्फ फोटोन एमिटेड बताने हैं एमिशन स्पेक्ट्रम जिस तरह वहां पर क्या करते थे बोहर्स मॉडल में जब आप स्पेक्ट्रम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एक्सप्लेन करते थे तो सिर्फ एन देखते थे 3-2-2 jump, 3-2-1 jump बाल्मर सीरीज का कहीं भी ऊपर से 2 में ऊपर जंप होना यस और नो सिर्फ उतना ही देखते थे वहां पे ये एनर्जी स्टेट का मतलब सबसेल तक जाते ही नहीं थे ओके तो यहां से यहां एनर्जी बढ़ रही है ये एनर्जी स्टेट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से बोल दोगे ना अलग अलग एनर्जी स्टेट है तो 3p से लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आएगा तभी फोटोन का एमिशन होगा जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आएगा तभी फोटोन का एमिशन होगा तो मुझे 3p से नीचे वालों में लेके आना है अब मुझे एक चीज पता है सिलेक्शन रूल से कि p से s में जंप हो सकता है मुझे n की परवाह नहीं है तो ये एनर्जी स्टेट सबसे ज्यादा है ये उससे कम एनर्जी स्टेट है उससे कम एनर्जी स्टेट उससे कम और इससे कम एनर्जी स्टेट में बोलूं तो ये एनर्जी स्टेट सबसे कम वाली है e2 उससे बड़ी है e3 उससे बड़ी है e4 उससे बड़ी है और e5 तो बड़ी एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो फोटोन का एमिशन होगा नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा मैं सिर्फ एमिशन वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने तो पी से एस में जंप हो सकता है एक तो ये हो गया पी से पी में तो होगा नहीं ये तो परमिसिबल ही नहीं है ये वाला तो डेल्टा एल जीरो हो गया दोनों पी का एल 1-1 तो डेल्टा एल जीरो हो गया तो ये तो परमिसिबल है नहीं लेकिन ये तो परमिसिबल है ना पी का एस में एन की तो मुझे परवाह ही नहीं करनी वहां पे भी तो 3 से 2 में जंप आ जाता था तो ये तो मुझे अलाउड नहीं है 3p से 2p तो 3p से 3 फोटोन का 3p में इलेक्ट्रॉन है तो 3 फोटोन आ सकते हैं अब 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ही नीचे में जाएगा सभी में इलेक्ट्रॉन कहां पर है 3p में है इनिशियली सारे एटम में इलेक्ट्रॉन 3p में ही है 3p से 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया अब 3s से 2p में जा सकता है डेल्टा एल हो गया 1 मॉडुलस
3s से 2s में नहीं जा सकता क्योंकि डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, 3s से 1s में नहीं जा सकता डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, तो वो तो परमिसिबल ही नहीं है सिलेक्शन रूल के अनुसार, वो जंप तो परमिसिबल नहीं है, तो वो फोटोन नहीं निकलेंगे, सिलेक्शन रूल अलाउ नहीं कर रहा है और हमें सिलेक्शन रूल के अनुसार आंसर करना है, यस और नो। 3s से इधर आ गया 3p, तो इससे तीन फोटोन निकले और 3s में इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3s से 2p में जा सकता है, 1s 2s में तो अलाउड नहीं है सिलेक्शन रूल के अनुसार। अब 2s में आ चुका है इलेक्ट्रॉन, 2p में इलेक्ट्रॉन आ गया, 2p में इलेक्ट्रॉन आ गया, 3s से 2p में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, तो 2p से आप डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 हो गया, 2s में भी जा सकते हैं और 1s में, सब में डी एक्साइटेशन हो रहा है, सब में फोटोन का एमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन किसी में नहीं हो रहा और एमिशन ही पूछा है, तो इससे दो फोटोन पॉसिबल है 2p से फर्दर, 3s से 2s और 1 और पॉसिबिलिटी यही नहीं, दो एनर्जी स्टेट है, वही जा सकता है नीचे की तरफ एमिशन करते करते, 3s का 2s 1s नॉट अलाउड, तो 3p के सारे ढूंढ लिए, s वाले हो सकते हैं या d वाले हो सकते थे, d को यही नहीं था, 3s से p में ही आ सकता है, s में तो आ नहीं सकता इससे सिर्फ 1 है, 2p से s में आ सकता है, 2 हो गया, 2s से 1s ये तो अलाउड है नहीं, अलाउड है नहीं, सिलेक्शन रूल मना कर दे रहा है, तो 2s से तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है डी एक्साइटेशन की, 3s से 2s 2s दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो बताओ ये कितना हो गया, 3s से 3p से तीन हो गए, 1 2 3 तीन फोटोन निकलेंगे, 3s से सिर्फ एक फोटोन निकलेगा चौथा, 2p से पांचवा और छठा दो फोटोन निकलेंगे, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे एज पर सिलेक्शन रूल, 6 फोटोन्स का एमिशन होगा, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपके, थोड़ी सी भी गलती आपने की 2p से 2s में भी जंप करवा दिया और सब जगह मन चाहे जंप करवा दिया, डेल्टा एल प्लस माइनस 1 की कंडीशन नहीं देखी, तो आप गए काम से, एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो, वेरी गुड क्वेश्चन, बस एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, दैट्स ऑल। देखो मैंने क्या बताया था कि कुछ बुक में विजिबल पार्ट ऑफ रेडिएशन का कलर का रेंज 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, विबग्योर का विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन कुछ दूसरी बुक में ये एम्बिग्यूटी मिलेगी, मैंने हरदम पढ़ाते टाइम में स्टेटमेंट जरूर यूज करता हूं, कुछ बुक में जैसे नरेंद्र अवस्थी में ये दे रखा है, अब पंगा क्या होता है, तो माने क्या, कुछ रेफरेंस बुक में ये रेंज भी दे रखी है, कुछ रेफरेंस बुक में ये रेंज भी दे रखी है, अब किसकी माने, देर इज एम्बिग्यूटी, देर इज कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, और दोनों ही स्टैंडर्ड बुक है तो कंफ्यूजन, इस तरह डेटा में आपको कभी कभी साइंस में आप एक एक आधा सोर्स पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप रेफरेंस बुक कभी कभी मन किया ये भी आपने गो थ्रू कर ली, ये भी कर ली, है ना, टीचर को करनी चाहिए, बच्चों के पास तो टाइम इतना हो ही नहीं सकता, 2 साल में वो इतना कर ही नहीं सकते हैं, दे कांट गिव दैट मच टाइम, और वही मेहनत अच्छी होती है जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो, है ना, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के पढ़ना तो आपकी रैंक अपने आप पीछे चली जाएगी, मेहनत करने से रैंक नहीं आती, प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करने से रैंक आती है, आपके पोटेंशियल से बेस्ट रैंक विजिबल। अब मैं इसके अनुसार बात करूं तो बाल्मर सीरीज का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाल्मर सीरीज बोल दो या एल साइलेंट बाल्मर सीरीज बोल दो, बाल्मर सीरीज बोल दो, बाल्मर इज बेटर वे टू प्रोनाउंस, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में देखो 3-2 ट्रांजिशन, 4-2 ट्रांजिशन सेकेंड लाइन, 5-2 थर्ड लाइन, 6-2 फोर्थ लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या होती है सबको याद होनी चाहिए, मैंने बताया था 6-5-6-5 एंगस्ट्रॉम रेड कलर में थी, दूसरी वाली सेकेंड लाइन, ये नीट का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन बताएगा, अंजलि बताओ, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस से बिलोंग करती है, किस कलर से, नीट का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन,
वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, गॉड ब्लेस यू, बहुत ऊंचाई पे जाओगे। 4863 एंगस्ट्रॉम, एक बार बता दिया, ध्यान है बच्चे को, कितना गजब है। डाउट के टाइम पे डिस्कस किया था आई थिंक, बस ये कितना हो जाएगा 4342 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 4 मैंने ये वैल्यू याद करने के लिए बोली थी, 4103 एंगस्ट्रॉम। बताओ ये फोर्थ लाइन हो गई, फिफ्थ लाइन 7 to 2 वो क्या आ गई थी, वो 4000 से कम आ गई थी, 3971 एंगस्ट्रॉम। और लास्ट ही लास्ट इंफिनिटी टू टू वाली सीरीज लिमिट लाइन, जो सबसे छोटी वेवलेंथ वाली लाइन होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज के लिए सीरीज लिमिट वेवलेंथ होती है, तो वो कितनी हो गई बच्चों, 3643। कुछ बुक में थोड़ी कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है, हम तो 3650 ले लेते हैं। बताओ अगर इसको मैं विजिबल मान रहा हूं तो किसी ऑब्जेक्टिव में आपको ये बोलोगे कि सिर्फ ये चार फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ पामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर इनविजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, रिमेनिंग सब क्या हो जाएंगे, इससे इधर अल्ट्रावायलेट हो जाता है, तो रिमेनिंग ऑल दीज रेडिएशन बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट लिखा हो तो आपको मजबूरी में ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बिग्यूटी है, क्योंकि जिसने वो क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में ये था, उसके दिमाग में ये रेंज थी। नरेंद्र अवस्थी में भी सेकंड वाली दे रखी है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम विजिबल रेंज, तो बस चार ही हैं, बाकी तो 4000 से नीचे आ गया। इधर क्या हो जाएगा, ये होता है VIBGYOR, आर के इधर इंफ्रारेड आ जाता है, 7500 एंगस्ट्रॉम के इधर, और वायलेट के इधर अल्ट्रा वायलेट आ जाता है ना। तो इस तरह वेवलेंथ उससे छोटी है, 3900 समथिंग है, तो सब अल्ट्रा वायलेट में आ जाएंगी। तो कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा स्टेटमेंट दे, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर सीरीज हैज ओनली फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, रिमेनिंग ऑल अदर लाइंस डोंट बिलोंग टू विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, दे बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आप ट्रू कर दोगे। पर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन वही लोग बनाएंगे तो थोड़े सनकी और लिमिटेड इंफॉर्मेशन वाले लोग हैं, वही ऑथर लोग, वही टीचर लोग ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अब आईआईटी वाले टीचर और जो एनटीए वाले ये जो लोग हैं पेपर बनाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर नॉलेजेबल लोग रहते हैं, उनको पता है कहां पर कंफ्यूजन है, उस चीज को नहीं लेंगे वो लोग, आज तक नहीं लिया है, उस इंफॉर्मेशन को नहीं लेंगे, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल पीपल। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, लव यू, जय हिंद जय भारत।